हेलो फ्रेंड्स, पीसीबी ट्रैक क्लासेस की 12th क्लास केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद फिर हम पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सिंपल है। हमने अभी पढ़ा क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन जो होता है, या क्रिस्टल जो बनते हैं वो पार्टिकल आपस में एक दूसरे को घेर के बनाते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में कोई एक पार्टिकल कितने और पार्टिकल्स से घिरा हुआ है। अगर नॉर्मल क्रिस्टल है तो कोई एक परमाणु अपने निकटवर्ती जितने पड़ोसी परमाणुओं से घिरा होता है, या कोई आयनिक क्रिस्टल है तो कोई कैटायन कितने एनायंस से, या कोई एनायन कितने कैटायन से, कोई ऋणायन कितने धनायन से, या कोई धनायन कितने ऋणायनों से घिरा होता है, ये संख्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, किसी विशेष क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, वो परिवर्तित नहीं होता। ठीक, यह हम आगे भी डिस्कस करेंगे। केवल इतना समझिए कि अगर दो नंबर में या एक नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन आए तो उसका कुल मिला के मतलब है कि कोई आयन या कोई एटम कितने आसपास के एटम से घिरा हुआ है, या आयन से घिरा हुआ है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो थोड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है सुसंकुलन या पैकिंग। हम सब जानते हैं कि एटम्स जब अपने आप को अरेंज करते हैं तब वो सॉलिड बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं, या अमॉर्फस सॉलिड बनाते हैं। क्रिस्टल बनाने के लिए एटम्स अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं उसके अंदर, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है पैकिंग। तो पैकिंग के दो तरीके, हम ये मान के चले कि आयन या एटम स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल आकार के होते हैं, तो ये गोल आकार के पार्टिकल्स अपने आप को किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा स्क्वायर पैकिंग या वर्गाकार सुसंकुलन। यहां आप देखिए, मैंने गोलों की रोज और कॉलम्स बनाए हैं, यानी यहां गोले के ऊपर गोला रखा जाता है। ठीक है, स्फीयर है, उसके ऊपर दूसरा स्फीयर, उसके बगल में स्फीयर, उसके आसपास स्फीयर। इस तरीके से स्फीयर्स के रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। यहां कोई भी आप स्फीयर ले लीजिए, कोई भी गोला ले लीजिए, वो अपने नजदीक के सिर्फ चार गोले को टच कर रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल पैकिंग में। पहले हम देखें एक परत कैसे बनती है, फिर पूरा क्रिस्टल कैसे बनता है। तो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल या हर एक स्फीयर अपने नजदीक के सिर्फ चार गोलों को टच करता है। यानी यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा इसका, फोर। टू डायमेंशनल में फोर होगा, और अगर उनके सेंटर को मिलाया जाए तो वो स्क्वायर फॉर्म ले लेते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अवेलेबल स्पेस का 52% पार्ट ऑक्युपाइड होता है, घिरा होता है। यानी एटम्स में कुल दिए गए जगह का कितना हिस्सा घिरा, 52%, बाकी 48% खाली रहता है। ठीक है, इसी का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट मैंने यहां दर्शाया हुआ है। सेम इसी पैटर्न को इसके ऊपर रखते जाइए तो आपको क्या मिलेगा, थ्री डायमेंशनल पैकिंग मिलेगी। इस थ्री डायमेंशनल पैकिंग को, पैकिंग में एक ही तरह के शीट्स हैं, इसी तरह के रिपीटेटिव लेयर्स हैं, तो लेयर्स केवल एक ही टाइप की हैं, इसलिए इसको ए ए टाइप पैकिंग भी कहा जाता है।
यहां भी टोटल अवेलेबल स्पेस का 52% वॉल्यूम ही ऑक्युपाइड होता है, रेस्ट ऑफ द स्पेस रिमेन्स एम्प्टी, बाकी जगह खाली रहती है, 52% हिस्सा इस्तेमाल होता है। ज्यादा महत्वपूर्ण पैकिंग जो है वो हमारे लिए है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय सुसंकुलन। आप यहां देखिए षटकोणीय सुसंकुलन में मैंने पहला रो जो है वो रखा सीधा, लेकिन जो दूसरा रो है सेकेंड रो वो उसके ठीक सामने नहीं रखा, उसमें जो खांचे जो ग्रूव्स बने हुए हैं दो एटम्स के बीच की जो एरिया है उसमें एटम्स फंस रहे हैं, तीसरा रो दूसरे के खांचे में फंसा हुआ है, चौथा रो तीसरे के में फंसा हुआ है, यानी यहां पर एटम्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि फर्स्ट लेयर के एटम्स के खांचे में सेकेंड लेयर के एटम्स आते हैं, सेकेंड लेयर के खांचे में थर्ड लेयर के एटम्स आते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके की खास बात यह है कि इसमें कोई भी एटम अपने नजदीक के 6 एटम्स को टच करता है, और इन 6 एटम्स के सेंटर को अगर हम मिला दें तो ये हेक्सागोनल शेप लेता है, इसलिए इसको कहा गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद रखिए कि मैंने इसी पार्ट को अलग से यहां पर बनाया हुआ है, क्योंकि अब हमको इसका 3 डायमेंशनल पैकिंग देखने हैं। तो इसमें आप ये ध्यान दें कि इसमें एक गोला सेंटर में है और उसको घेरे हुए 6 गोले उसके अगल बगल हैं। अब आप देखें कि ये जो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बीच में, 1, 2 ये 3 गोले के बीच में ये एक खाली ग्रूव है, ये एक जगह है जहां पर एटम आ सकता है या नहीं भी आ सकता, यही वो जगह है जहां एटम को आना चाहिए। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह है हमारे पास, तो हमको लगता है कि इनमें 6 एटम्स आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके का एक मॉडल बना के देखें तो केवल 3 एटम्स ही आ सकते हैं इन 6 ग्रूव्स में, क्योंकि साइज जो एटम का होता है वो अपने बगल के ग्रूव में दूसरे एटम को आने नहीं देता, उतना स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। तो इसलिए इन 6 ग्रूव्स में अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतर क्रम में 1 में आएगा तो 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे हम। और इसके तुरंत बाद मैं आपको बता रहा हूं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो हेक्सागोनल टाइप है उसका पहला टाइप भी कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP या षटकोणीय सुसंकुलन। इस षटकोणीय सुसंकुलन में मैंने जो पहला बेस बनाया था ये देखिए 7 गोलों का सेट है, इसी में 6 ग्रूव्स हैं। इस 6 ग्रूव में ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल आधे में यानी 3 में हम एटम्स रख सकते हैं, तो चलिए ऊपर की ओर हमने रखा 1 में, 3 में, 5 में, नीचे की ओर भी खाली जगह होगी उसमें भी हमने रखा 1 में, 3 में एंड 5 में। तो इस तरीके से हम देखें कि मुख्य परत या मेन लेयर के ऊपर और नीचे सेम ग्रूव्स में एटम्स आ रहे हैं। इस तरीके की पैकिंग में दो तरह की लेयर्स होती है, दिस इज ए, दिस इज बी, देन अगेन फिर क्या आ जाएगा ए, सेम है ए और ए। तो इसको हम ए बी टाइप क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ए बी टाइप। इसमें 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड, 74% जगह का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, घनीय सुसंकुलन, CCP, इसमें जरा सा अंतर है। मेन लेयर में ऊपर की ओर मान लीजिए हमने रखा 1, 3, 5 में,
तो नीचे की ओर 135 में ना रख के रख दिया 246 में, ठीक है। यानी मुख्य परत या मेन लेयर के ऊपर और नीचे डिफरेंट ग्रूव्स या खांचों में एटम्स प्रेजेंट है, सेम ग्रूव्स में नहीं है। तो यहां तीन टाइप की लेयर हो गई, ये है ए, ये बी और ये सी। इसलिए इसको कहते हैं एबीसी, एबीसी क्लोज पैकिंग या एबीसी, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। और इसमें भी 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस यूज होता है। तो हमने ये देखा कि एटम्स अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं। कभी अगर आपसे पूछ ले तो बहुत ज्यादा लंबे चौड़े तरीके से इसको एक्सप्लेन ना करें, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें। हेक्सागोनल टाइप क्लोज पैकिंग में दो टाइप की लेयर्स होती हैं और मेन लेयर के ऊपर और नीचे सेम ग्रुप्स में एटम प्रेजेंट होते हैं, 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनिष्ठ संकुलन में तीन टाइप की लेयर्स होती हैं और मेन लेयर के ऊपर और नीचे डिफरेंट ग्रुप्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सेम में नहीं होते। यहां भी 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। तो आज हमने पढ़ा पैकिंग के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वॉइड क्या है। तो इस तरीके से एक दो क्लासेस और है, फिर ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू।